दोस्तों आज की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है, मोदी सरकार ने जिस तरह से नोटबंदी करके काले धन वालों पे दोस्तों नकेल लगाई थी, उनकी दोस्तों वाट लग गई थी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक फिर से होने वाली है। नोटबंदी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद मोदी सरकार दोस्तों अब यहाँ पे सोने पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली, गोल्ड पे दोस्तों गोल्ड एमनेस्टी स्कीम आने वाली, जहां पे दो नंबर का जो गोल्ड छुपा के रखते हैं लोग, मतलब अनऑथोराइज दोस्तों, मतलब जिसके पास गिनती नहीं होती, अनकाउंटेड दोस्तों इसको बोला जा सकता है, मतलब जिससे लिमिट से ज्यादा गोल्ड जिन लोगों ने ब्लैक मनी के रूप में दोस्तों छुपा रखा है, उन लोगों के लिए दोस्तों यहां पे खतरे की घंटी बजने वाली। मोदी सरकार की फिर से एक और यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। काले धन की जगह दोस्तों इस बार होगा काला गोल्ड, यस जो ब्लैक गोल्ड इसको बोल सकते हैं आप, जो गोल्ड जो वो उसका जो बिल भी नहीं हो, बिना अनअकाउंटेड दोस्तों गोल्ड जिसके पास होता है, उस तरह के लोगों के लिए दोस्तों खतरे की घंटी बजने वाली। क्या है दोस्तों पूरी ये न्यूज, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फ्रेंड्स। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नोनील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोटबंदी करके मोदी सरकार ने बहुत से काले कारोबारियों की यहां पे कमर तोड़ दी थी, लेकिन दोस्तों एक चीज देखी गई थी, जब नोटबंदी की थी तो बहुत से ओवर स्मार्ट लोग, तो हमने ऐसे कैसे सुने थे, लोगों ने यहां पे बड़ी बड़ी दो दो पांच पांच दस दस किलो के यहां पे सोने की सिल्लियां खरीद ली गई थी दोस्तों, क्योंकि सोने को यहां पे छुपा दिया गया था, क्योंकि पैसा बंद हो गया था, तो उन्होंने वहां पे दो नंबर के पैसे में सोना ले लिया था। तो दोस्तों बात की जाए तो इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे काले कारोबारी हैं दोस्तों, जिनके पास सोने के बिस्किट, सोने के न जाने क्या क्या चीज होती है। आप और मेरे जैसे लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं, हमारे पास थोड़ा बहुत गोल्ड होता है तो उसको टेंशन नहीं है, लेकिन अब मोदी सरकार उस तरह के काले कारोबारियों को दोस्तों, उस तरह के ब्लैकेस्ट को दोस्तों, उस तरह के फ्रॉडस्टर्स को दोस्तों, जो हमारे टैक्स के पैसे, हमारे हिंदुस्तान के दोस्तों गरीबों के पैसे को लूट के दोस्तों जो गोल्ड में छुपा के रख देते हैं, काला धन बना देते हैं उसको, उन लोगों के लिए दोस्तों यहां पे अब खतरे की घंटी, क्योंकि मोदी सरकार दोस्तों यहां पे एक यहां पे गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लेके आने वाली, जहां पे सारे के सारे जो गोल्ड है जो अनऑथोराइज है, अनकाउंटेड है दोस्तों, उसको बिल वाले नहीं है और लिमिट से ज्यादा है, उन लोगों के लिए खतरों की घंटी दोस्तों यहां पे पूरी की पूरी स्कीम दोस्तों यहां पे आने वाली। ये चीज पहले अक्टूबर के फर्स्ट मंथ में आने वाली थी, लेकिन जो हरियाणा में और जो महाराष्ट्र में चुनाव, तो उस हिसाब से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आने वाले कुछ ही दोस्तों वीक के अंदर डेफिनेटली मोदी सरकार दोस्तों, क्योंकि सोर्सेस की तरफ से बात निकल के आई कि मोदी सरकार अब यहां पे गोल्ड पे सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्लानिंग में है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली उन लोगों पे दोस्तों, उन दो नंबरों पे दोस्तों एक बड़ी चोट होगी, जो आपकी और हमारी मेहनत का पैसा को दोस्तों यहां पे लूटते हैं चोर, और वो गोल्ड की तरफ दोस्तों जमा कर देते हैं, और जो सरकार को भी दोस्तों टैक्स नहीं देते हैं, सरकार की तो चोरी करते हैं और आप ऊपर हमारा पैसा भी यहां पे जाता है। तो उस तरह के लोगों के लिए दोस्तों यहां पे गोल्ड एमनेस्टी स्कीम आएगी, इसका कुछ नाम अलग होगा, लेकिन बात की जा रही है दोस्तों यहां गोल्ड एमनेस्टी स्कीम का हो सकता है कुछ अलग नाम हो, स्वर्ण क्रांति ऐसा कुछ नाम हो सकता है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ दोस्तों क्लियर होगा कि अब आपको अगर टेंशन हो रही है यार आपके पास जो गोल्ड है वो क्या सरकार ले लेगी, उस पर टैक्स होगा, दोस्तों ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर कुछ यहां पर प्रावधान बनाए जाएंगे, कुछ लिमिट से ज्यादा अगर गोल्ड किसी के पास है तो उसको यहां पर वैल्यूएशन कराना पड़ेगा, उसका बिल वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सरकार को कि ये हमारा गोल्ड है और हमने इस प्राइस में परचेस किया था, ये प्राइसिंग भी आपको बतानी पड़ेगी, लेकिन एक लिमिट होगी, एक मिनिमम, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम सभी की वाइफ होती है, घर में इतने सारे लोग होते हैं, हम सभी के पास थोड़ा बहुत गोल्ड तो होता है, हम थोड़ा थोड़ा बचा के हमारे गोल्ड रखते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज होती है जो बुरे वक्त में काम आती है, तो लोकर्स वगैरह में होता है, लेकिन एक मिनिमम तो सभी को पता है, तो गवर्नमेंट भी एक मिनिमम बेंचमार्क यहां पे सेट करने वाली कि इतने से नीचे कोई जरूरत नहीं आपको क्लेरिफिकेशन देने की, तो चलेगा अनअकाउंटेड इतना मिनिमम चलेगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर आपके पास गोल्ड है तो उसको आपको यहां पे वैल्यूएशन कराना पड़ेगा दोस्तों। सरकार यहां पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहां पे वैल्यूएशन सेंटर बनाएगी, जहां पे जाके आपको आपका गोल्ड बताना है, वहां पे वैल्यूएशन सेंटर वाले क्लियर करके दिखाएंगे कितने का गोल्ड है, क्या दोस्तों इसका बिल होगा, सब कुछ लेके तब आपको यहां पे बताना पड़ेगा क्लियरली दोस्तों। अगर आपके पास बहुत ज्यादा गोल्ड है, ऐसे कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो जिनके पास गोल्ड की कोई लिमिट ही नहीं है, दो नंबर का है, तो क्या करेंगे, तो सरकार दोस्तों हो सकता है वैसे लोगों को भी कुछ ऑप्शन दे, लेकिन वहां पे बड़ी पेनल्टी लगने वाली है, याद रखना बड़ी पेनल्टी लगेगी उन लोगों को जिन्होंने दो नंबर का गोल्ड लिया, तो उनको पेनल्टी लगेगी, सजा भी हो सकती है, सारी चीजों को प्रावधान जब बिल बन के आएगा दोस्तों तब होगा। लेकिन अभी दोस्तों सोर्सेस की बात मानी जा रही है कि नोटबंदी के बाद ये सबसे बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि नोट जो थे दोस्तों वो एक अलग चीज है, लेकिन गोल्ड को कैसे भी करके छुपा सकते हैं, गोल्ड दोस्तों वायबल होता है, इसको आप बैन नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर दोस्तों एक बड़ा यहां पे कदम उठाना था मोदी सरकार को, तो यहां पे दोस्तों एक बड़ा कदम आ चुका है, गोल्ड एमनेस्टी स्कीम दोस्तों ऐसी कोई स्कीम यहां पे मोदी सरकार लेके आने वाली है, जहां पे जो दो नंबर का गोल्ड रखते थे अपने घर पे छुपा के, उन लोगों के लिए दोस्तों बुरी खबर हो सकती है, लेकिन आप और हमारे जैसे लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, लीगल है दोस्तों, बिल होता है, जो बिल लेने जाते हैं तो हमारा बिल तो होता ही है, और एक मिनिमम लिमिट भी रखी जाएगी इस पॉलिसी के अंदर, कितनी लिमिट के नीचे आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन
लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर आपके पास गोल्ड है तो डेफिनेटली आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, उसका आपको बिल बताना पड़ेगा कि मैं कहां से लाया, क्या था और किस प्राइस में मैंने लिया। सारी चीजों को अकाउंटेबल वे में यहां पे, प्रॉपर वे में यहां पे सिस्टम में लाने की कोशिश यहां पे की जा रही है। और दूसरा दोस्तों, गोल्ड को सिस्टम में लाके जिस तरह से नोटबंदी में सारे के सारे पैसे बैंक में आने से बैंक में पैसे का या जो था सर्कुलेशन बढ़ गया था, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें बैंकिंग सिस्टम में आ गई, इससे बैंकों के पास भी पैसा आया, लोन वगैरह इजी हो गया देने के लिए, तो ये सारी चीजें हुई। इसलिए यहां पे बैंक को और यहां पे जो गोल्ड है दोस्तों, इसके लिए यहां पे भी कुछ चीजें की जा रही सरकार की तरफ से कि यहां पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बनाए जाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे लोग यहां पे आए अपना गोल्ड सरकार के पास रखे और हम उनको गोल्ड से भी ज्यादा, मतलब जो नॉर्मल आपको यहां पे इंटरेस्ट मिलता उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको देंगे, जिससे जो गोल्ड रहेगा वो सरकार के पास रहेगा। या तो फिर गोल्ड का बोर्ड बनाने की कुछ प्लानिंग चल रही जो पूरी चीजों को मैनेज करे, मैनेजमेंट अच्छा हो उसका और आपको अच्छा खासा डिपॉजिट पे यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहां पे प्लानिंग में चल रही है दोस्तों। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जा रही थी कि मोदी सरकार अब सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है, काले धन पे तो कर दिया ऑलरेडी, अब काले गोल्ड पे होने वाले, मतलब जो लोग यहां पे गोल्ड के रूप में ब्लैक मनी छुपा के रखते थे अब उन लोगों के लिए दोस्तों खतरे की घंटी है, अब आपको हो जाना है सावधान। और बाकी जितने भी लोग हैं आप और हमारे जैसे, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अकाउंटेड वे में चीजें रखते हैं, एक दो चेन या कुछ चीजें होती तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा दोस्तों मतलब ब्लैक मनी के रूप में इतने बड़े बड़े सोने के चांदी के बिस्किट रखते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों भी खतरे की घंटी है। तो प्लीज मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगा ये न्यूज से, दोस्तों आपको कैसा लगा, क्या ये एक सही कदम है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरह के जो काले कारोबारी होते हैं उनके ऊपर दोस्तों नकेल रखने के लिए ये जो चीज आने वाली है गोल्ड एमनेस्टी स्कीम, क्या ये सही मायनों में काम करने वाली है? प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा आपको एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।